बेस्ट कोडिंग लैपटॉप्स इन 2023। देखो अगर आपने भी इन सारी लैंग्वेजेस में कोडिंग करनी है ना, पाइथन, जावा, C++, एनसीबल, PHP, SQL, ये वाले सारे लैपटॉप आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, एंड वो भी हर एक बजट के अंदर। यानी कि चाहे आपका बजट 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये और या फिर 60,000 एंड अबव 60,000 रुपीज। और इनके अलावा अगर आपने गेम डेवलपमेंट या फिर AI और मशीन लर्निंग में काम करना है ना, तो आपको एक अलग लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो मान के चलो उसके लिए कम से कम i5 या फिर Ryzen 5 प्रोसेसर बाय करना है, ये तो हमारी फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ गेम डेवलपमेंट, AI और मशीन लर्निंग। एंड एक और चीज का आपने ध्यान रखना कि आपके लैपटॉप के अंदर ना कम से कम 8GB की रैम पक्का होनी चाहिए, इससे कम रैम वाला लैपटॉप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले एकदम ही बेसिक बजट से स्टार्ट करते हैं 30,000 रुपए के। देखो 30,000 के बजट के अंदर मैं आपको तीन लैपटॉप बताऊंगा, दो के अंदर आपको Ryzen का प्रोसेसर मिल जाता है एंड एक के अंदर आपको मिलेगा Intel का प्रोसेसर, Acer 114 बिजनेस लैपटॉप, Acer Extensa 15 लैपटॉप एंड Acer Extensa 15, ये उसका दूसरा मॉडल है। देखो ये जो तीनों लैपटॉप है ना, ये एकदम ही बेस्ट है डेली यूजेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग, वेब डिजाइनिंग, फोटोशॉप, अकाउंटिंग या फिर आपने लाइट ओकेजनल गेमिंग करनी है ना ऑनलाइन क्लासेस के साथ में, ये सारे काम इन तीनों लैपटॉप के ऊपर इजिली हो जाते हैं। तो सबसे पहले Acer 114 बिजनेस लैपटॉप को चेक करते हैं। लैपटॉप का करंट प्राइस है 27,000 रुपीज एंड इसके अंदर आपको AMD Ryzen 3 3250U प्रोसेसर मिल जाता है, दो कोर्स एंड चार थ्रेड्स वाला, 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 2666 MHz वाली, इसकी रैम 32GB तक एक्सपेंडेबल है, साथ में 256GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंच की डिस्प्ले होगी, HD एंटी ग्लेयर, AMD की रेडियन ग्राफिक्स होगी। लैपटॉप के अंदर आपको 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। नेक्स्ट इज Acer Extensa 15 लैपटॉप, इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 31,000 रुपीज। लैपटॉप के अंदर आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर दिया गया 7320U, एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है ये, चार कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला, 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, LPDDR5 रैम है 5500 MHz वाली, इसकी रैम ज्यादा बेटर है, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है बट इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। सबसे पहले इसके अंदर हमें 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले लैपटॉप में, MS Office आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में, एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इसके अंदर भी, फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है अलॉन्ग विद नमपैड एंड इसके अंदर आपको 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब ये लैपटॉप भी Acer के लैपटॉप है, Acer Extensa 15, इसके अंदर आपको मिल जाता है Intel का 12 जनरेशन का प्रोसेसर, Intel कोर i3 N305 12 जनरेशन प्रोसेसर, 33,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। लैपटॉप में आपको 8GB की रैम मिल जाती है 4800 MHz वाली, LPDDR5 रैम है एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, साथ में 512GB की SSD है Gen 4 विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की FHD अल्ट्रा स्लिम डिजाइन वाली डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, Intel के USD ग्राफिक्स है, TDP 15 वॉट्स, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नमपैड। देखो सिंपल चीज है कि इन तीनों के स्कोर्स आपके सामने हैं। अगर तो आपका एकदम ही टाइट सा बजट है ना कि आपने 27,000 के प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप बाय करना है, आप Acer 114 बिजनेस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। बट अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा भी पुश कर सकते हो ना, तो आपको Acer Extensa 15 में से किसी लैपटॉप को चूज करना चाहिए। इन दोनों के स्कोर्स आपके सामने हैं। देखो मल्टी कोर में 7320U प्रोसेसर ज्यादा बेटर है एंड सिंगल कोर में इंटेल का प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया है। तो इन दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो, दोनों ही एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लैपटॉप है, एक का प्राइस 33,000 रुपीज है एंड दूसरे का 31,000 रुपीज। तो मेरी मानो अगर आपने 30,000 के बजट के आसपास लैपटॉप बाय करना है, आप इन दोनों में से चूज करो। बट इन केस अगर आपका टाइट बजट है, गो विद Acer 114 बिजनेस लैपटॉप। सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज की। इस बजट में दो लैपटॉप सबसे बेस्ट है, Asus VivoBook 15 लैपटॉप एंड Honor MagicBook 15 लैपटॉप। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 40 से 41 हज़ार के बजट में आपको दोनों लैपटॉप मिल जाते हैं। सबसे पहले Asus के लैपटॉप की बात करें तो इसके अंदर हमें Intel का i3 प्रोसेसर दिया गया है, 1220p, 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, काफी बढ़िया प्रोसेसर है, पी सीरीज का प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में एंड इसके अंदर आपको 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली। नाउ द थिंग इसकी रैम एक्सपेंडेबल अप टू 24GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। सिंपल चीज है कि ये लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल है। साथ में 15.6 इंच की FHD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया 45% NTSC के साथ में, इंटेल के USD ग्राफिक्स हो गए, MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा एंड इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उसको चेक कर लेते हैं। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। अब एक और चीज है, लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड बाय कंपनी। अगले 3-4 सालों तक आपका ये लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला, आप इसे थोड़ा बहुत रफ टफ यूज कर सकते हो। ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। नाउ लेट्स चेक आउट द Honor MagicBook 15 लैपटॉप, 41,000 रुपीज करंट प्राइस है इसका एंड इसके अंदर आपको मिल जाती है एल्यूमिनियम मेटल बॉडी। देखो मेटेलिक बॉडी होने के कारण ना, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मान के चलो कि एक लैपटॉप के अंदर आपको प्लास्टिक की बॉडी मिल रही है और दूसरे के अंदर आपको मेटल बॉडी मिल रही है ना, तो ऑब्वियसली मेटल बॉडी वाले लैपटॉप की जो ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी है ना, वो उससे ज्यादा ही बेटर होगी प्लास्टिक वाले से।
Ryzen 550 500U प्रोसेसर दिया गया 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला। अब लैपटॉप के अंदर ना आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक मिलेगा 8GB की रैम के साथ एंड दूसरा मिलेगा 16GB की रैम के साथ। जिस लैपटॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो 16GB की रैम के साथ आपको मिल जाता है DDR4 3200MHz वाली, प्राइस है 41,000 रुपीज। बट इसी सेम लैपटॉप में आपको जो 8GB रैम के साथ मॉडल मिलता है ना उसका प्राइस 2000 रुपए कम हो जाता है फिर। एंड ये लैपटॉप मैक्सिमम 16GB की रैम को सपोर्ट करता है जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल दे रखी है, इसका मतलब है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। साथ में 512GB की SSD है लैपटॉप में। 15.6 इंचेस की फुल HD फुल व्यू IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 100% sRGB है, रिफ्रेश रेट 60Hz 300 nits की ब्राइटनेस के साथ, तो इसकी डिस्प्ले भी एक्चुअल में काफी बढ़िया है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स हो गए, MS ऑफिस आपको 30-day ट्रायल बेसिस पे मिलेगा एंड एडिशनल फीचर्स इसके भी काफी बढ़िया है। टाइप सी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है लैपटॉप में। फ्रॉम 0 to 65% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। पॉपअप कैमरा विद प्राइवेसी मोड, फिंगरप्रिंट लॉगिन दिया गया 2-in-1, तो ये लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है। देखो 40,000 के बजट के अंदर आपको एक लैपटॉप के अंदर इंटेल का प्रोसेसर मिल रहा है एंड दूसरे के अंदर राइजन का प्रोसेसर। बट कभी कभी ये चीज होती है कि ऑनर का लैपटॉप ना हर एक यूजर प्रेफर नहीं करता। आपको एक इसका अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ, एसर एस्पायर लाइट लैपटॉप। इसका प्राइस है 38,000 रुपीज। ये ऑनर के लैपटॉप का अल्टरनेट ऑप्शन है, दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है, कुछ माइनर से चेंजेस है। लाइक एसर के लैपटॉप में आपको जो रैम मिल रही है वो 8GB की रैम है, उसकी रैम 32GB तक एक्सपेंडेबल है, प्रोसेसर सेम दिया गया है, साथ में स्टोरेज भी सेम एंड डिस्प्ले साइज भी सेम है। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को एक्चुअल में बाय कर सकते हो। परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलने वाला। तो 40,000 के बजट के सारे लैपटॉप्स के बेस्ट पेलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं बेस्ट कोडिंग लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज की। देखो 50,000 के बजट के अंदर आपको 4 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि एक्चुअल में टोटली वर्थ इट लैपटॉप्स हैं। Asus VivoBook 15, HP Pavilion 14, Asus VivoBook 16X एंड Honor MagicBook X16। चारों ही लैपटॉप एकदम ही बढ़िया लैपटॉप है। सबसे पहले Asus के लैपटॉप की बात कर लेते हैं। Asus VivoBook 15 लैपटॉप का प्राइस है 50,000 रुपए। 180° हिंज के साथ ही आपको इसके अंदर मिल जाती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। वही सेम चीज है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है बाय कंपनी। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर दिया गया 12500H 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है ये, 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। देखो सिंपल चीज है कि ये जो प्रोसेसर है ना इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाईली रिकमेंडेड प्रोसेसर फॉर यू गाइस। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में 3200MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB। साथ में 512GB की SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में। 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया 220 nits की ब्राइटनेस के साथ में। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स है, MS ऑफिस आपको 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एडिशनल फीचर्स को चेक करें, बैकलाइट चिकलर कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड मैकाफी लाइफ सेव आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। अभी बात करते हैं HP के लैपटॉप की। देखो कई यूजर्स को ना HP का ही लैपटॉप बाय करना होता है, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। 51,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है HP Pavilion 14। एक तो Pavilion सीरीज का लैपटॉप है, लुक्स वाइज दिखने में लैपटॉप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है एंड दूसरी चीज इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी ज्यादा बेटर होती है। AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5625U। देखो जो 5625U प्रोसेसर है ना वो 5500U का सक्सेसर प्रोसेसर है। 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। स्कोर्स आपके सामने है, अराउंड 17% की बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में एंड 15% मल्टी कोर में। बेसिकली ये जो प्रोसेसर है वो 5500U से ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है। लैपटॉप में आपको 8GB की रैम मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, 3200MHz वाली रैम है, साथ में 512GB की SSD, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ये लैपटॉप है 14 इंच के डिस्प्ले साइज में, 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की रेडियन ग्राफिक्स हो गए, MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इसके अंदर भी दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, बिल्ट इन Alexa के साथ में। तो HP लवर्स के लिए ये लैपटॉप हाईली रिकमेंडेड, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। अगला लैपटॉप है Asus का लैपटॉप, Asus VivoBook 16X लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप भी एक्चुअल में काफी बढ़िया क्योंकि इसके अंदर भी आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है। सबसे पहले 47,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। लैपटॉप में आपको Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5600H। इस पीरियड के अंदर जो आपको Ryzen के प्रोसेसर मिल जाते हैं ना गेमिंग सीरीज वाले H सीरीज के, वो यही प्रोसेसर मिलता है 5600H। परफॉर्मेंस काफी बढ़िया इसकी, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 8GB की रैम 3200MHz वाली, 16GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB की SSD, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब ये लैपटॉप है 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में, फुल HD प्लस WHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, IPS लेवल, 300 nits की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 45% NTSC के साथ में। रेडियन वेगा 7 ग्राफिक्स हो गए, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में MS ऑफिस दिया गया। एडिशनल फीचर्स को चेक कर ले तो फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया लैपटॉप में, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड है, 180 डिग्री की हिंज एंड
प्राइवेसी शटर कैमरा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अभी 50,000 के बजट के अंदर आपको एक लैपटॉप और बताता हूँ, उसके बाद इन सबको कंपेयर करके देखेंगे। ऑनर मैजिकबुक X16 लैपटॉप मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया फिंगरप्रिंट पावर बटन के साथ में। 51,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर आपको मिल जाता है i5 का 12 450H प्रोसेसर, काफी बढ़िया प्रोसेसर है। 8GB की रैम, 4266 मेगाहर्ट्ज़ वाली 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 16 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, FHD IPS एंटीग्लेयर, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के USD ग्राफिक्स, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको लैपटॉप में। अभी देखो यार, सिंपल चीज है कि मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पावरफुल लैपटॉप इस बजट के अंदर है ना, दैट इज ASUS ZenBook 15 लैपटॉप। सभी के स्कोर्स आपके सामने है, आप खुद ही चेक कर सकते हो कि जो 12500H के स्कोर्स है ना, वो इन सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। तो मेरी मानो तो आपको ASUS ZenBook 15 लैपटॉप बाय करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि बाकी लैपटॉप अच्छे नहीं है। HP के लैपटॉप के अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी काफी ज्यादा बेटर मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको यू सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। एंड Ryzen का जो 5600H प्रोसेसर है ना, वो इस पीरियड का Ryzen का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। आपको इन चारों में से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगे ना, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। बट मेरी मानो तो 12500H आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप फॉर यू गाइस। सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं उन कोडिंग लैपटॉप्स की जो कि आपको 60,000 के बजट के अंदर मिलते हैं, एंड साथ में उससे ज्यादा बजट वाले लैपटॉप्स की। तो प्रोफेशनल सीरीज में आपको 3 लैपटॉप बताऊंगा, Acer Swift 3 प्रीमियम, ASUS ZenBook 15 लैपटॉप एंड Apple 2020 MacBook Air। सबसे पहले बात करते हैं Acer के लैपटॉप की। 61,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया बैकलाइट कीबोर्ड के साथ में। देखो यार, इसके अंदर आपको मिल जाता है इंटेल का i5 1240p प्रोसेसर, 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, काफी बढ़िया प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स, बट ये प्रोसेसर है इंटेल की इवो कोर सीरीज का। अगर आपको नहीं पता तो ये जो सारे फीचर्स आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो ना, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होगी, टाइप सी चार्जिंग होगी, 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, वाईफाई और ब्लूटूथ का एकदम ही लेटेस्ट वर्जन, फिंगरप्रिंट सेंसर, 30 मिनट के अंदर 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ये सारे फीचर्स आपको इंटेल के इवो कोर प्रोसेसर के अंदर मिल जाते हैं। आगे से आपने ध्यान रखना है कि जो भी लैपटॉप आपका इवो सर्टिफाइड है ना, उसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स जरूर मिलेंगे। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, विच इज नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंच की डिस्प्ले, अब इसके डिस्प्ले भी एक्चुअल में काफी बढ़िया है, QHD डिस्प्ले, IPS 2560x1440 पिक्सल्स, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB के साथ में। एक तो इसकी FHD से ज्यादा बेटर डिस्प्ले है, QHD डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है, तो आपको जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलेगा ना इस लैपटॉप के अंदर, दैट इज दी बेस्ट। इंटेल के RS ग्राफिक्स के साथ ही MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। ये जो सेम लैपटॉप है ना, इसका एक आपको अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूं, HP Pavilion 15 लैपटॉप। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ HP के लैपटॉप में आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली सेम है। अगले लैपटॉप की बात करते हैं, विच इज ASUS ZenBook 15 लैपटॉप। अब देखो, 50,000 के बजट के अंदर ना, मैंने आपको 12500H प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट बताया था। इसके अंदर आपको उससे भी बढ़िया प्रोसेसर दिया गया, उसका सक्सेसर 13500H प्रोसेसर। इंटेल का इस पीरियड का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है ये, 64,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इस पीरियड के बाकी जितने भी प्रोसेसर आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं ना, उन सबके साथ कंपैरिजन आपके सामने है। अब वीडियो को पॉज करके इसके कंपैरिजन को अच्छे से चेक कर लो, ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है। एंड ऊपर से इसके अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली। ये 16GB की रैम है ना, ये भी एक्सपेंडेबल है, 24GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की FHD एंटीग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के RS ग्राफिक्स हो गए, MS Office आपको 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर मिल जाता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड के साथ ही प्राइवेसी शटर कैमरा भी आपको इसके अंदर दिया गया। तो ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप इंटेल लवर हो, 13500H प्रोसेसर है, एकदम ही लेटेस्ट सीरीज का 13 जनरेशन, गो फॉर इट। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अगला लैपटॉप है एप्पल का एप्पल 2020 मैकबुक एयर, एल्युमिनियम बॉडी वाला लैपटॉप है। इसका जो करंट प्राइस है, दैट इज अराउंड 80,000 रुपीज। एप्पल की M1 चिप मिल जाती है लैपटॉप में, 8 कोर CPU दे रखा है, 8GB की DDR4 RAM है, यूनिफाइड मेमोरी। इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, ना ही इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, 256GB की स्टोरेज मिल जाती है लैपटॉप में। एंड इसके अंदर आपको मिल जाती है 13.3 इंच की IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली। एंड इसके अंदर जो आपको ग्राफिक कार्ड दिया गया, वो भी एप्पल का ही है, 8 कोर GPU लैपटॉप में, 7-8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। देखो सिंपल चीज है कि अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर ना हैवी प्रोडक्टिविटी वाले काम करने है ना, ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि एप्पल का जो लैपटॉप है ना, ये अगले 4-5 सालों तक कहीं नहीं जाने वाला। इसके ऊपर आपकी थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाती है। बेसिकली ये लैपटॉप प्रोफेशनल वर्क के लिए एकदम ही बेस्ट ऑप्शन है। कोडिंग करनी है, चाहे वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग होगी, या फिर ग्राफिक का काम करना है, ये सारे काम भी इस लैपटॉप के ऊपर हो जाती है। इसका भी जो बेस्ट लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक और चीज है, देखो अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर
गेमिंग करनी है ना, कोडिंग के साथ अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपको मैं दो ऐसे लैपटॉप बताता हूँ जिन्हें आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो कोडिंग के साथ ही। सबसे पहला लैपटॉप है MSI Bravo 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 58,000 रुपीस। AMD Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 5800H, 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, AMD का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया Radeon RX 6500M, TGP 45W है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में और इसके अंदर आपको बैकलेट कीबोर्ड मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप 60,000 के बजट के अकॉर्डिंग ना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए गेमिंग के सिनेरियो में। इसके ऊपर आपकी कोडिंग के साथ ही गेमिंग इजीली हो जाती है। अब बात करते हैं Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप की। इसका प्राइस अराउंड 72,000 रुपीज है। देखो पहले इसका प्राइस होता था 80,000 के करीब, बट अभी इसका प्राइस थोड़ा कम हो चुका है, 72,000 रुपीज में आपको लैपटॉप नॉर्मल मिल जाएगा। Amazon चॉइस का लैपटॉप है। इसके अंदर आपको i5 का 12500H प्रोसेसर मिल जाएगा। 12500H प्रोसेसर के साथ ही ना जो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया दैट इज अल्टीमेट NVIDIA RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया 95W TGP के साथ में। जितने भी गेमिंग स्कोर्स है ना वो सारे आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इसके गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से चेक कर सकते हो। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है आप सभी के लिए। एंड 12500H तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना बढ़िया प्रोसेसर है ये। लैपटॉप में 16GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 4 जोन RGB कीबोर्ड दिया गया Xbox Gaming Ultimate Pass के साथ में। तो ये लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। ये लैपटॉप 72,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड आप में से जितने भी Asus के लवर्स है ना, आपकी ब्रांड प्रेफरेंस है कि मुझे Asus के लैपटॉप बाय करना है, तो सेम स्पेसिफिकेशन में आपको Asus Tough Gaming F17 लैपटॉप मिल जाएगा। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है। उसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या दीज आर द बेस्ट कोडिंग लैपटॉप इन 2023। देखो सिंपल चीज है, आपने सिर्फ एक चीज डिसाइड करनी है कि सबसे पहली चीज है कि आपका बजट कितना है लैपटॉप बाय करने का। आफ्टर डिसाइडिंग योर बजट, जो भी लैपटॉप्स मैंने आपको उस बजट के अंदर बताए हैं उनमें से आपको जो भी लैपटॉप अच्छा लगता है ना, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। ये सभी के सभी लैपटॉप्स अपने बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रहेगी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस।